What's up guys, and आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट Vivo Y73 स्मार्टफोन एंड आज बात करेंगे इसके कुछ कमाल के हिडन फीचर्स के बारे में। कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले अगर आप इस वाले चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने मिलते रहे। बढ़ते अपनी लिस्ट के सबसे पहले फीचर की तरफ जो कि आपको देखने मिलता है आपके होम स्क्रीन पे। अपने होम स्क्रीन पे आपको थोड़ी देर होल्ड करना होगा, यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्री वॉलपेपर्स देखने मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम एंड एब्स्ट्रैक्ट है। इसके अलावा भी आप वीवो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और भी ज़्यादा वॉलपेपर्स। सिंगल क्लिक में आप इनको अप्लाई कर सकते हो अपने होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन पे, साथ साथ आप बोथ पर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो अप्लाई हो चुका है एंड देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। होम स्क्रीन पे ही आपको एक और कमाल का ऑप्शन देखने मिलता है विच इज़ कॉल्ड विजिट्स एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विजिट्स देखने मिल जाते हैं। कुछ गूगल के हैं, कुछ ऑफिशियल हैं एंड साथ साथ में कुछ कमाल के यहाँ पर आपको विजिट्स देखने मिल जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह की तरफ से। तो इनको आप सिंगल क्लिक पर अप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसे हैक्टिक नहीं है। यहीं पर आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स भी देखने मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं, जैसे कि आप डॉट बैच वगैरह लगाना चाहते हो, आइकन्स वगैरह को ऐड करना चाहते हो, होम स्क्रीन का जो रोटेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, साथ साथ में जो स्लाइडिंग फंक्शन है यानी कि आप अगर नीचे स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर खोलना चाहिए या फिर ग्लोबल सर्च, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो काफ़ी आराम से। अब चलते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉअर की कुछ कमाल की सेटिंग्स पे। तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है आई प्रोटेक्शन जो कि एक कमाल का फीचर है एंड जिससे आप अपनी आई की रेटिना को प्रोटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन की हार्मफुल रेस से। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे, यानी कि आप सनसेट से सनराइज तक इसको करना चाहते हो या फिर आप अपने हिसाब से कस्टम सा टाइम भी सेट कर सकते हो। साथ साथ में इसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी आप बढ़ा या घटा सकते हो, ये भी आपके ही ऊपर है। आगे बढ़ते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कमाल का फीचर है, इसको यूज़ ज़रूर से करना, रात वगैरह के टाइम पर आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहेंगी। यहीं पर जो है आपको देखने मिल जाता है अल्ट्रा गेमर मोड। अब ये जो है काफ़ी कमाल का एक ऑप्शन है जिससे कि आप गेमिंग वगैरह करते टाइम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको गेमिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी, जैसे कि जो ई स्पोर्ट्स वगैरह के मोड होते हैं उसमें आपका नोटिफिकेशन एंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स हर्ट नहीं होती। साथ साथ में जो ऑटो प्ले होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। यहाँ पर आप गेम में वाइब्रेशन को भी ऑन कर सकते हो, वो भी 4D में। साथ साथ में यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो या कॉल्स को म्यूट कर सकते हो और गेम की जो साउंड क्वालिटी है उस पर भी यहाँ पर आप काफ़ी सारे इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, सारे के सारे गेमिंग से रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो गेमिंग साउंड इफेक्ट्स है उसमें आपको सराउंड साउंड भी देखने मिल जाता है एज वेल एज स्टीरियो मोड भी आपको देखने मिल जाता है। 4D गेम वाइब्रेशन का मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको बता दूँ कि ये जो है आप जिस पर क्लिक करोगे तो डिस्प्ले आपकी वाइब्रेट करेगी, जो कि काफ़ी कमाल की बात है एंड जिससे आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। नीचे जो है आपको गेम पिक्चर इन पिक्चर भी देखने मिल जाता है, मतलब आप PIP में भी गेमिंग को कर सकते हो। ऊपर जो है दो टॉगल्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हो एज पर योर यूजेज। यहीं पर आपको एक और कमाल का फीचर देखने मिल जाता है विच इज़ कॉल्ड डार्क मोड। अब डार्क मोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना कमाल का फीचर है। यहाँ पर डार्क मोड को आप यूज़ कर सकते हो एंड आपका जो लुक है वो पूरी तरह से कस्टमाइज्ड ब्लैक हो जाएगा एंड खास करके डिस्प्ले अगर अच्छी हो तो डार्क मोड बहुत ज़्यादा मस्त लगता है देखने में। यहाँ पर आपको होल्ड करने के ऊपर काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, लाइकवाइज डार्क थीम, स्क्रीन टाइम आउट एज वेल एज यहाँ पर रोटेट करना है आपको स्क्रीन को या फिर नहीं। आई प्रोटेक्शन भी आपको यहीं पर देखने मिल जाता है, अडेप्ट ब्राइटनेस भी आप कर सकते हो यूज़। उसके अलावा फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको कौन से ऐप में देना है, कलर्स कैसे चाहिए, पंची ब्राइट या नॉर्मल, साथ साथ में जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हो एज वेल एज जो क्लॉक वगैरह है वो सब भी आप चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी कमाल का फीचर है एंड डार्क मोड तो कुछ ज़्यादा ही कमाल का फीचर है। मतलब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं कुछ और कमाल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है बैटरी सेवर जो कि और ज़्यादा कमाल का फीचर है। यहाँ पर जो है आप अपनी बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो एंड यूसेज और ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूसेज और लास्ट का पूरा डिटेल देखने मिल जाता है अपने बैटरी का, साथ साथ में आप परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हो। उसके अलावा कंजम्पशन का जो मैनेजमेंट है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, फुल चार्ज कितने बजे किया था आपने, कितनी देर से कितनी देर तक बैटरी गई है, कितनी गई है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा कमाल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं एंड यहाँ पर जो बैटरी का ये वाला फीचर है इसको आप यूज़ करना ज़रूर से ताकि आप अपने बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग बना सको।
अब चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, एंड सेटिंग्स के अंदर भी काफ़ी सारे नए नए ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स का पूरा मोड है वो आपको कुछ इस तरह का देखने मिलता है इंटरफेस, एंड काफ़ी कमाल का इंटरफेस है। यहाँ पर जो एक कमाल का फीचर है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स करके एक फीचर देखने मिलता है, जहाँ पर आप एम्बिएंट लाइट और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आपको एम्बिएंट लाइट की यहाँ पर स्टाइल चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लाइट इफेक्ट में जाना है, एंड आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कमाल के यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, ये वाला साथ साथ में ये वाला भी। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमाल कमाल के ऑप्शंस है, एंड इतने सारे एज लाइटिंग है कि आप भाई कंट्रोल करते रह जाओगे कौन सा लगाओ कौन सा नहीं लगाओ, एंड सारे काफ़ी कमाल के हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, साथ साथ में इसका जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, साथ साथ में जो इसका पूरा का पूरा विथ है उसको आपको कितना रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की फ़ीचर है, एंड काफ़ी कमाल का यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल जाता है। लास्टली आपको यहाँ पर इसका जो कंट्रोलेशन है वो पूरा का पूरा देखने मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं एक और कमाल के फीचर के बारे में, जो कि भाई इसी तरह का एक फ़ीचर है। तो यहाँ पर इनकमिंग कॉल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एंड अब बात करते हैं एक और बहुत ज़्यादा कमाल के ऑप्शन के बारे में, जो कि आपको डायनेमिक इफेक्ट्स में देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन का एनिमेशन। तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट आइकन के एनिमेशन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पर आपको टन्स ऑफ वैरायटी देखने मिल जाती है, साथ साथ में सारे के सारे जो फिंगरप्रिंट के एनिमेशन है वो देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं ब्लू कलर के, एंड इनको आप सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर, आपको और भी ऑप्शन देखने मिलते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहीं पर आपको देखने मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी कमाल के यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं। चार्जिंग के एनिमेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, मतलब किसी और यूआई में मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजली इतने सारे चार्जिंग के एनिमेशन हों। तो यहाँ पर आप सिंगल क्लिक में इनमें से कोई सा भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, वो भी काफ़ी ईजीली। तो फंटच ओएस में ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है एक और बहुत ज़्यादा कमाल का ऑप्शन, विच इज़ कॉल्ड ऑन एंड ऑफ एनिमेशन। तो यहाँ पर जैसे आप डिवाइस को आप ऑन या ऑफ करते हो तो किस तरह का एनिमेशन आता है उसको भी आप यहां पर कंट्रोल कर सकते हो। लिटरली काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल स्मार्टफोन है ये। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और कमाल के फीचर के बारे में, जो कि आपको देखने मिलता है नीचे थोड़ा डिजिटल वेलबींग में। तो यहां पर आप देख सकते हो आपने कितने दिन स्मार्टफोन को कितनी देर तक यूज किया है जो है दिन में, एंड कितनी बार फोन को अनलॉक किया, साथ साथ कितने नोटिफिकेशन आपको अराइव हुए। तो यहां पर आप सारा कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा आपको पेरेंटल कंट्रोल्स भी देखने मिल जाते हैं और नोटिफिकेशन का मैनेजमेंट भी देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी बैटरी यूसेज को एंड स्मार्टफोन को जो है थोड़ा कम यूज़ करने के लिए आपको एग्रेस करेगा। इस तरह के ऑप्शंस को ढूंढ कर लाने में एंड आपको प्रेजेंट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, लीव अ कमेंट कि आप इस वाले स्मार्टफोन से रिलेटेड कौन सी और आगे वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि Vivo Y73 अभी हमारे पास ही है। तो अगर आप चाहते हो कि इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई और वीडियो आप देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, एज वेल एज इंस्टाग्राम पर भी आप हमें बता सकते हो इन DMs @UtkarshGupta360 आप हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ इसी तरह से बने रहना हमारे चैनल के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।